बच्चों, मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स कैपिटल मेथड और अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो बच्चों, फिक्स कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग जब अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप मेंटेन करते हैं तो आपको हर एक पार्टनर के लिए दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं। एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट। अभी जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है ये नॉर्मली इसमें पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स रहा करती हैं, यानी अनचेंज रहा करती हैं, यानी कि जो कैपिटल उनकी साल की शुरुआत में है वही कैपिटल साल के एंड में रहा करती है नॉर्मली, अनलेस कि अगर कोई वो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ना करे, ठीक है, या फिर कोई कैपिटल विड्रॉ ना करे तो। लेकिन अगर उन्होंने कोई अपनी कैपिटल में कोई एडिशन किया है, यानी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, या फिर उन्होंने कैपिटल में विड्रॉल किया है, तो उस केस में उनकी कैपिटल चेंज हो सकती है, बट ओनली इन दो कारणों के कारण की वजह से, ठीक है ना। तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट नॉर्मली फिक्स्ड ही रहा करती है और तभी चेंज होती है जब पार्टनर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा या फिर कैपिटल विड्रॉ करेगा। अगर वो दोनों में से कोई काम नहीं करता, ठीक है, कोई एक काम भी नहीं करता, तो जो कैपिटल साल के शुरुआत में है वही कैपिटल साल के एंड में भी रहेगी एंड ईयर आफ्टर ईयर रहती रहेगी अगर इनमें से कोई काम नहीं किया जा रहा या दोनों काम नहीं किए जा रहे, तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करना या कैपिटल विड्रॉ करना। तो इसका मतलब कैपिटल अकाउंट के अंदर जो मैक्सिमम चीज़ें आ सकती हैं अंडर फिक्स कैपिटल मेथड, वो चार चीज़ें ही आ सकती हैं। आप देख सकते हैं राइट साइड में ओपनिंग कैपिटल लिखी गई है पार्टनर्स की और साथ साथ एडिशनल कैपिटल लिखी गई है। ओपनिंग कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखी जाती है, एडिशनल कैपिटल को हम बाय कैश या बाय बैंक अकाउंट लिखते हैं। डेबिट साइड चेक कर सकते हैं आप, उसमें लिखा हुआ है टू कैश या बैंक, यानी दैट इज़ कैपिटल विड्रॉन, और लिखा हुआ है टू बैलेंस कैरिड डाउन, दैट इज़ क्लोजिंग कैपिटल। तो ये एंट्री होती है बच्चों, मतलब ये इस तरह से मेंटेन किया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स को जो हर साल चीज़ें दी जाती हैं, जो रेगुलर नेचर की चीज़ें होती हैं, वो सब शो की जाती हैं पार्टनर के करंट अकाउंट के अंदर। और पार्टनर करंट अकाउंट कैसा होता है आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, मैंने पार्टनर्स के करंट अकाउंट के अंदर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दोनों लिखा है, बिकॉज द पार्टनर करंट अकाउंट कैन शो बोथ द क्रेडिट एज वेल एज डेबिट बैलेंस। हो सकता है किसी का पार्टनर का जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्रेडिट हो करंट अकाउंट का, या हो सकता है डेबिट हो। अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर डेबिट बैलेंस होगा तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा जाएगा उसको, ठीक है बच्चों। उसके अलावा जो पार्टनर्स को हर साल दिया जाता है या जो पार्टनर हर साल करा करते हैं, जैसे ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स आमतौर पर पार्टनर हर साल ही करा करते हैं, पर्सनली उसके लिए पैसा निकालना ही पड़ेगा उनको बिजनेस से, उसको ड्राइंग कहते हैं। तो इस ड्राइंग को हम करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड, उस पर जो इंटरेस्ट निकलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहलाएगा, वो भी आपका डेबिट साइड में आएगा। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, पार्टनर की सैलरी हो गई, पार्टनर का कमीशन हो गया, पार्टनर का प्रॉफिट का हिस्सा हो गया, ये सब चीज़ें कैपिटल अकाउंट के करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आया करती हैं। अगर लॉस का हिस्सा होगा तो वो कैपिटल करंट अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में वो सब चीज़ें आएंगी जो रेगुलर नेचर की होती हैं, ठीक है, जैसे यानी कि कह सकते हैं कि जितने भी अप्रोप्रिएशन वगैरह होते हैं वो करंट अकाउंट के अंदर ही आते हैं। उसके अलावा जो जो चीज़ वो हर साल करते रहते हैं, जैसे ड्राइंग करना, ठीक है, उनका प्रॉफिट हो गया, उनका लॉस हो गया, जो हर साल होते रहते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं करंट अकाउंट के अंदर शो की जाती हैं। करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट और डेबिट दोनों भी हो सकता है, इसलिए देखिए मैंने ओपनिंग बैलेंस में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिखा है इफ़ इट हैज़ अ डेबिट बैलेंस, और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिखा है इफ़ इट हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। सिमिलरली इसका क्लोजिंग बैलेंस भी, आपका क्रेडिट बैलेंस भी निकल के आ सकता है और डेबिट बैलेंस भी निकल के आ सकता है, इसलिए इसके देखिए इसमें क्लोजिंग बैलेंस में टू बैलेंस कैरेट डाउन भी लिखा हुआ है और बाय बैलेंस कैरेट डाउन भी लिखा हुआ है। अगर क्लोजिंग बैलेंस डेबिट होगा तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन लिखा जाएगा, अगर क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट ही निकल कर आएगा तो टू बैलेंस कैरेट डाउन लिखा जाएगा। आप जानते ही हैं हमेशा क्लोजिंग बैलेंस जो होता है वो हमेशा अपोजिट साइड लिखे जाते हैं, अगर क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट है तो लिखा जाएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन, अगर क्लोजिंग बैलेंस डेबिट है तो लिखा जाएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होते हैं तो हम दो अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, पार्टनर करंट अकाउंट और दूसरा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में तो गिनती की चार चीज़ें आ सकती हैं एट मैक्स, और जितनी भी चीज़ें अप्रोप्रिएशन होती हैं, जो रेगुलर नेचर की चीज़ें होती हैं जो हर साल की जाती हैं, वो सब चीज़ें आपका करंट अकाउंट के अंदर आती हैं।
लॉजिक दोनों का सेम है, बढ़ाने वाली चीज़ें क्रेडिट साइड में, कम करने वाली चीज़ें डेबिट साइड में आया करती हैं। लेकिन जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से फॉलो करते हैं, ठीक है बच्चों, तो उस केस में हम केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाते हैं, ठीक है, और उसी के अंदर सारी चीज़ें शो करते हैं। अप्रोप्रिएशन भी उसमें शो करते हैं, पार्टनर्स के प्रॉफिट लॉसेस भी उसमें शो करते हैं, पार्टनर की एडिशनल कैपिटल, कैपिटल विड्रॉन भी कैपिटल अकाउंट के अंदर ही शो किया जाता है। तो अगर पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो हैं आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर बनाएंगे, तो आपको केवल एक ही अकाउंट बनाना पड़ेगा फॉर एवरी पार्टनर, एंड दैट इज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जो चीज़ें पहले करंट अकाउंट में आया करती थी वो सारी भी अब कैपिटल अकाउंट के अंदर आएंगी। यानी जो कैपिटल अकाउंट वाली चीज़ें जो बताई थी मैंने फिक्स कैपिटल मेथड में, उतनी चीज़ें तो आनी ही आनी है। ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल क्रेडिट साइड में, कैपिटल विड्रॉन और क्लोजिंग कैपिटल क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में आने ही आने हैं। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, पार्टनर की सैलरीज हो गई, पार्टनर का कमीशन हो गया, पार्टनर का डिविजल प्रॉफिट हो गया, पार्टनर का डिविजल लॉस हो गया, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गए, ये सब चीज़ें कैपिटल अकाउंट के अंदर ही आएंगे। तो मोटे तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि फिक्स कैपिटल मेथड में आपको दो अकाउंट बनाने हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट फॉर एवरी पार्टनर। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाया जाता है। फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तभी चेंज होते हैं जब कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जाए या फिर कैपिटल विड्रॉ किया जाए, अदरवाइज कैपिटल उनकी ईयर बाय ईयर सेम ही रहा करती है, अगर दोनों में से एक भी काम नहीं किया गया हो तो। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल हर साल चेंज होनी ही होनी है, क्योंकि आपका हर एक चीज़ की वजह से कैपिटल चेंज हो सकती है। क्योंकि जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे जितने भी अप्रोप्रिएशन होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गई, पार्टनर की कमीशन हो गया, उनका प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, ड्राइंग हो गया, तो हर एक कारण की वजह से कैपिटल चेंज हो सकती है। दैट्स वाई इसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कहा जाता है, जो फ्लक्चुएट होती रहती है ईयर बाई ईयर, रेगुलर बेसिस पे फ्लक्चुएट रहती है, ठीक है ना। यहाँ पे अप्रोप्रिएशन भी कैपिटल अकाउंट के अंदर आते हैं, और जो परमानेंट नेचर की चीज़ें हैं जैसे एडिशनल कैपिटल, कैपिटल विड्रॉन, ये भी इसके अंदर ही आती हैं। दैट्स वाई इसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कहा जाता है, जहाँ पे कैपिटल फ्लक्चुएट होती रहती है। एक और बात ध्यान रखिएगा, फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट रहा करता है, मगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में द कैपिटल अकाउंट मे शो अ डेबिट बैलेंस ऑल्सो। इसलिए देखिए, मैंने इसे ओपनिंग बैलेंस को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिखा हुआ है, और बाकी क्लोजिंग बैलेंस को बाय बैलेंस कैरेट डाउन भी लिखा हुआ है। यानी कि कैपिटल अकाउंट मे शो अ डेबिट बैलेंस इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब एक बात और ध्यान रखिएगा बच्चों, कि जब बताना रखा हो गया क्वेश्चन में कि कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड के अकॉर्डिंग फॉलो किए जाते हैं या फ्लक्चुएटिंग के अकॉर्डिंग फॉलो किए जाते हैं, तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा उस केस में आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को ही फॉलो करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अगर क्वेश्चन में ना बता रखा हो कि कैपिटल अकाउंट किस मेथड के को फॉलो करके बनाए जा रहे हैं, तो आप हमेशा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करिए, और हर एक पार्टनर के लिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट ही बनाइए। डू नॉट प्रिपेयर द करंट अकाउंट फॉर द पार्टनर, कि करंट अकाउंट जो है वो फिक्स कैपिटल मेथड में बनाए जाते हैं, ना कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड दोनों का फर्क अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।